हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है क्लास 11 की केमिस्ट्री के लेसन नंबर 3, मेंडलीव की आवर्त सारणी से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है एस पी डी तथा एफ तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। हम जानते हैं कि आवर्त सारणी जो होती है उसमें तत्वों को चार समूह बांटा गया, एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व। इन तत्वों का एक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, वही हमें लिखना है, ठीक है ना। तो तत्व हमने लिख दिया, एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया। सबसे पहले एस देखते हैं, तो एस कक्षक में एक या दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो एस ब्लॉक के तत्व में या तो एस कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होता है या दो इलेक्ट्रॉन होता है। तो बाहरी कक्षा, एन का मतलब होता है बाहरी कक्षा, तो बाहरी कक्षा के एस में एक से दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या तो एक या तो दो, ठीक है। ऐसी पी की बात करते हैं, तो जो पीक ब्लॉक के तत्व होते हैं उनमें क्या होता है कि एन एस कक्षक भरने के बाद ही इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, एन पी में। तो इनका एन एस कक्षक तो पूरा भर जाता है, मतलब एन एस टू हो जाता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा वाले पी आर्बिटल में जाते हैं, जिसमें एक से लेकर छः इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं डी ब्लॉक की, तो डी ब्लॉक में क्या होता है कि एन एस कक्षक जो रहता है उसमें एक से दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो बाहरी कक्षा होते हैं, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन अंदर वाली कक्षा में आते हैं डी कक्षक में, ठीक है। इसलिए यहाँ लिखा एन माइनस वन, ये बाहरी कक्षा और ये बाहरी से एक कक्षा अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा n माइनस वन, जो बाहर से अंदर वाली एक कक्षा है, मतलब सेकेंड लास्ट है, उसमें n माइनस वन डी में एक से दस इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और जो एन एस होता है उसमें एक या दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है ना। अब एफ ब्लॉक के तत्वों की बात करें, तो एफ ब्लॉक के तत्वों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है उनका एन एस जो बाहरी कक्षा का एस आर्बिटल होता है पूर्णतः भर जाता है, जैसे सिक्स एस, उसके बाद इलेक्ट्रॉन फोर एफ में जाते हैं, और सेवन एस जिसमें के बाद इलेक्ट्रॉन फाइव एफ में जाते हैं, ठीक है। फिर कि बाहरी कक्षा का जो भी एस आर्बिटल होता है वो पूर्णतः भर जाता है, और उसके अंदर वाली कक्षा जो एन माइनस वन डी होती है उसमें जीरो या एक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दोनों में भी पॉसिबल, या तो जीरो होंगे या तो एक होगा, ठीक है। और इनकी जो सेकेंड, मतलब बाहर से दूसरी कक्षा होती है, मतलब बाहर से दूसरी कक्षा का मतलब होता है जो सबसे बाहर वाली कक्षा है उससे फिर अंदर और उसके भी अंदर एक कक्षा होती है जिसमें एफ आर्बिटल होते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन, इसलिए लिखा एन माइनस टू, मतलब बाहर से अंदर वाली दूसरी कक्षा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एफ आर्बिटल में एक से चौदह इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसलिए लिखा एन माइनस टू एफ, एक से चौदह इलेक्ट्रॉन। एन माइनस वन डी जो होगा वो जीरो से एक इलेक्ट्रॉन, जीरो या एक इलेक्ट्रॉन रखेगा, और सबसे बाहरी कक्षा जो होगी एन एस वो पूरी तरह से भरी होगी, मतलब उसका एस आर्बिटल, पी डी एफ में उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ठीक है ना।